चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जापक ही तुलसी अभी मात दे। जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी तथा श्री लक्ष्मण जी, ये सभी साथ में चित्रकूट में हमेशा निवास करते हैं। राम नाम का जाप करने वाले को वे मनचाहा फल प्रदान करते हैं। अब हम अगली कड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई का अर्थ बताया था, आज मैं चौथी चौपाई का अर्थ समझाऊंगी। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, उमति निवार सुमति के संगी। रामदूत यानी कि राम जी के दूत, अतुलित बल जिस बल की कोई तुलना नहीं कर सकता, धामा यानी कि धारण करने वाला, अंजनी पुत्र माता अंजनी के पुत्र, पवन सुत यानी पवन ऋषि के आशीर्वाद द्वारा प्राप्त, महावीर यानी महान योद्धा, विक्रम यानी पराक्रमी, वज्रंगी अर्थात जो देखने में वज्र के समान दिखाई देता है, कुमति यानी गलत सोच की बुद्धि, निवार यानी निवारण करना, दूर करना, सुमति के संगी यानी कि सद्बुद्धि पाना। अब देखिए कि सबसे पहले तो यही प्रमाण है कि यहीं से मिलता है हमें इसका ज्ञान कि जब हनुमान जी ने सागर को पार किया, रावण सीता को अपनी लंका में बंदी बनाकर ले गया था, उसकी सोच थी कि उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, जो कि सही भी थी, क्योंकि चारों तरफ से लंका जल से घिरी हुई है। सागर में विभिन्न प्रकार के ऐसे जल जीव भी थे जो आदमी को तत्काल खा जाए, फिर ऐसी लंका में भला कौन पहुंच सकता था। रावण वहां पूर्णतः सुरक्षित था। सागर को पार करके हनुमान जी गए। हनुमान जी ने सागर छलांग लगाकर पार नहीं किया था, तैर कर पार की थी, जैसे आजकल लोग इंग्लिश चैनल को पार करा करते हैं। हनुमान जी ने रावण की लंका के हाई सिक्योरिटी एरिया में प्रवेश किया, पहले अशोक वाटिका और उसके बाद रावण की लंका, और उस लंका के अंदर अकेले ही प्रवेश कर जाना और फिर रावण के दरबार में अंदर अकेले खड़े होकर पूरे साहस के साथ बिना किसी डर के उससे वार्तालाप करना और पूरी लंका को अकेले जलाकर वापस लौट आना, ये कोई आसान कार्य नहीं। सोचा है कभी कितनी बड़ी शक्ति चाहिए इसके लिए? मन और शरीर दोनों की शक्ति हनुमान जी के पास थी। इनके पास तो अपना आत्मिक बल था जो सबसे बड़ी शक्ति है, वह आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों उसमें होती है जो भी हनुमान भक्त है। उनको इन दोनों चीज़ों को राम सुमिरन में से विकसित करना चाहिए, शरीर का बल भी और आत्मा का बल भी। ओम पूर्व कपि मुखाय पंच मुख हनुमते टन 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप यदि मंगलवार या शनिवार को किया जाए तो व्यक्ति पर साथ मैं फिर से अनुमति लूंगी अगली बार पांचवी चौपाई लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तक के लिए भजते रहिए राम का नाम। जय श्री राम, जय हनुमान।